आपको कांवड़ यात्रा से संबंधित खबर दिखा देते हैं। जी हां, कांवड़ यात्रा से आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर पर एक्सपर्ट्स द्वारा चेतावनी देने के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ की जो यात्रा होती है उसे रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते और इसकी वजह से ये जो कांवड़ यात्रा हर साल निकाली जाती है वो इस साल भी कोरोना काल के मद्देनजर इसको रद्द किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने चेतावनी जारी की थी कि कांवड़ यात्रा ऐसे मौके पर बिल्कुल भी उचित नहीं है जब कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके आने की आशंका है। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। हम सभी से अपील करते हैं कि चूँकि कोरोना महामारी चल रही है इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। और सीएम के बाद आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी खास तौर पर कहा है कि कोरोना काल में लोगों की जो जिंदगी है वो अहम है, इसलिए यात्रा को रद्द करना उचित कदम है। बिल्कुल, देश के जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले, इसलिए अमरनाथ यात्रा हो ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस, इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है, इसके लिए हम ये निर्णय लिया है।